चमत्कार हो गया दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा की रीसेंट स्टोरी में। तो वो चमत्कार क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है, तो इस वीडियो में हम दोस्तों यही बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की रीसेंट स्टोरी से। तो आप सोचो कि क्या चमत्कार हो सकता है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इसीलिए पूरी देखेगा ये वीडियो। और अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ है बेल आइकन, दोनों को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर पाए। तो गाइस यहाँ पर जो है तारक मेहता और अंजलि भाभी के बीच में जो स्टोरी चल रही थी डाइट फूड की, जो कि तारक मेहता ने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लिया है, नए वर्ष का संकल्प लिया है कि वो एक हेल्दी जीवन जिएंगे और बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो गाइस यहाँ पर जो है तारक मेहता ने वो वादा तोड़ दिया था। तो इस पर पूरी स्टोरी थी। अब मैं स्टोरी के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता होगा कि स्टोरी में क्या क्या हो चुका है, ये पूरी स्टोरी खत्म हो चुकी है यहाँ पर। तो दोस्तों इस स्टोरी में जो चमत्कार हुआ है वो ये है कि इतनी जल्दी स्टोरी खत्म हो गई। मतलब कि यार हम सोच रहे थे कि यहाँ से तो बल्कि स्टोरी शुरू होगी जहाँ पर अंजलि भाभी रूठ के चली जाएगी, तो तारक मेहता मनाने के लिए क्या क्या यत्न करेंगे, क्या क्या प्रयत्न करेंगे, इस पर बहुत सारे एपिसोड बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और यहीं के यहीं ये स्टोरी खत्म हो गई। अब दोस्तों यही सबसे बड़ा चमत्कार है क्योंकि हमें ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि इतने कम टाइम में स्टोरी जो है वो पूरी हो जाए, क्योंकि हमको पता है दोस्तों बहुत लंबी स्टोरी हमें देखने को मिलती है। खास करके ये टॉपिक ऐसा था कि इस पर काफी लंबे एपिसोड बन सकते थे जहां पर तारक मेहता अंजलि भाभी को मनाने के लिए काफी यत्न प्रयत्न करते हुए नजर आते और वहां पर काफी फनी कॉमेडी होती। लेकिन शायद इसका रीजन ये भी हो सकता है कि क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है, तो मकर संक्रांति की स्टोरी के लिए तारक मेहता मेकर्स ने कुछ खास प्लान किया हुआ है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि मकर संक्रांति की स्टोरी शुरू की जाए जिसकी वजह से ये स्टोरी थोड़ी छोटी लिखी गई। मुझे तो गाइस यही लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, आपको स्टोरी अच्छी लगी नहीं लगी, क्योंकि यार आप में से भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये स्टोरी इतने हफ्ते तक चल सकती है, 7 दिन तक चल सकती है, 2 हफ्ते तक चल सकती है, तो बहुत सारे इस तरह के अनुमान थे। लेकिन दोस्तों ये स्टोरी काफी छोटी थी। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये जो डाइट फूड की स्टोरी थी, मुझे बीच वाले 2 एपिसोड काफी पसंद आए थे जहां पर अंजलि भाभी से ये छुपाने की कोशिश की जाती है, वो वाले 2 एपिसोड मेरे को काफी पसंद आए थे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये स्टोरी, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी तक भी अपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ है बेल आइकन, दोनों को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।